अपने के नौ की भले दिलीप कुमार झा। दिलीप बाबू का ने हाँ पूरा परिचय दिया अपना परिवार के। हाँ हमर जे बाबा रहते हैं जी, वो फोटोग्राफी जाने भूतपूर्व सरपंच रहते हैं। हाँ लेना जी, की नाम चले ना उनका बाबू साहब झा। बाबू साहब के नाम से पूरा प्रसिद्ध सरपंच एकदम प्रसिद्ध रहते हैं। लगातार चार इलेक्शन कसरड़ में जी सरपंच के पद पर रहला। वो अपने के गांव भले कसरड़ कसरड़ जे की कहे छे ने ज्वालामुखी देवी के मान लिया नाम से प्रसिद्ध नहीं ने पूरा बिहार में की देश में मान लिया एकदम फेमस गाँव है। कहाँ गाँव में भगवती की कृपा है, विद्वान सरस्वती के वास छन, लक्ष्मी के वास छन, हाँ ओहिठाम मानि लिया सब तरह मानि लिया परिपूर्ण छ। लेकिन अखन एक की कहे छे मानि लिया सुनवा में आयल जनता के द्वारा यहाँ के पंचायत से मुखिया विहीन भए गेल, की कारण की छे? मुखिया पद पर एक एहन व्यक्ति के चयन कयल गेल है जी जे पूर्व से विवादित रहे जी, पूर्व से हुनकर नाम रंजीत कुमार झा जी। उनका पिता के नाम नाम विश्वनाथ झा जी जी। अच्छा पूर्व से हम सब बुझे चलिए जे एहन आदमी मुखिया के पद पर मुखिया के गरिमा के नहीं ठीक से संपन्न कह सकता जी, संभाल सकता, लेकिन गौवा उनके चयन कल के जी तकर परिणाम देख रहा जी। कारण मुखिया में देख अपनो ठाड़ भेल रही है और लोग सब ठाड़ भेल रहे निक निक परिवार के, मान के चलू गुलाब बाबू ओल्ड भ गला हाँ, मान लिया बहुत हंदीय डॉक्टरों मान लिया कि कहे छे और हुनकर भट्टा के कारोबार चले छन और मान लिया कारोबार हाँ अखन जैविक खाद के मान लिया सेहो लाइसेंस ले लैथ हैं तो भौ सके जे वो इंटरेस्ट नहीं लैथ। अहाँ सब सब एके छी, अहाँ सनक निक कैंडिडेट सुपीरियर खानदानी सब तरह अहाँ के भाई साहब सु अहाँ के DSP CBI में छथि सब तरह अहाँ स्ट्रॉन्ग छी। अहाँ यदि मुखिया हेबो करबे तो अहाँ की पर्पस नहीं रहत हमरा कमाई के पर्पस से रही, या मान लेल जाओ जो ओहि तरह काज करी जे गांव बदनाम भ जाए अहाँ के पंचायत बदनाम भ जाए, हाँ ओहि पर अपने के अहाँ की कहे चाहे छी? एहिठाम का जखन जनता अहाँ के पंचायत यऽ जते दूर का अहाँ के मुखिया तक जनता के अहाँ की कहे लए चाहे छी? जनता अहाँ के अखन मुखिया बिहने रहे कि नहीं, फिर एकर मान लेल जाओ जे ओहि तरह कोनो बैसार हुए जे फिर मान लीजिए मुखिया पर अहाँ के की कहे छी अभियोग लगा के या कोनो तरह ओकरा अथी कऽ के फिर नया मुखिया के कहे छे तात्कालिक गठन कैल जाए, नहीं इलेक्शन हुआ तो कम से कम कार्यवाही मुखिया ताबे तक की कहे चाहे छी? ताबे तक तखन उपमुखिया जे छै जी उपमुखिया राजीव चौधरी छै जी, ताबे 6 महीना हुनकर छनि प्रभार जी, ताबे ओ सम्पन्न कए रहल छथि जी। हमसब तऽ काम के आधार पर चाहे छी जी, हम जे इलेक्शन लड़लहुँ तऽ केवल ई छलै जे प्रतिष्ठा जी, हमसब प्रतिष्ठा के बुझै छी, पैसा के नहि बुझै छी। बिल्कुल सही बात छै जे पारिवारिक प्रतिष्ठा हमर कायम रहै तकरा नया सिरा से हम चाहै छलहुँ जे ओकरा पुनरुद्धार करी, फेर लोक मे स्थापित करी जे हम नीक काज कए कऽ गाँव के दिए, गाँव के लोक ई कहे जे आइ तक एहन मुखिया कसरड़ मे नहि भेल छै। जेना अहाँके की कहै छै उछला हम सरपंच साहब जखन तक हुनकर नाम बरकरार छै कसरड़ मे ई सरपंच साहब दोसर नहि भेला जे छलाह, तही हिसाब से अहूँ के मान लिया वह वंशज छी? हाँ हम एकदम चाहे छलहुँ जे पैसा के दरकिनार कए के केवल नाम कमाए के दुआरे जी, जे हम एहन काज कए ली जे हमर नाम भ जाए, जे लोग कहे जे मान लिया एहन मुखिया भेल छलै कसरड़ में जे किछु किछु एहन हम फैसला लैतिए, किछु भ्रष्टाचार के विरोध में किछु करतिए, गाँव में घुसखोरी छलै व्याप्त, हरेक काज में हरेक चीज में भ्रष्टाचार छलै, तै से चाहे छलिए जे एकटा नीक आदमी के चयन होय जे गाँव के आदमी के बहुत दिन के बाद एकटा नीक आदमी मुखिया बन, से उद्देश्य से हम इलेक्शन लड़ल रहे, लेकिन गाँव के आदमी नहीं पहचान। अखन जे मुखिया छलाह से की भेलै हुनका? गाँव के मुखिया पूर्वो से एहन टाइपक हमसब चर्चा सुनै छलिए, लेकिन 30 दिनक चोर जे एक दिन पकड़ा जाए छे वह बात हुनका संगे भेलन जी, ओ जे छै से अहाँके गलत काज में लड़की वाला काम में जी जे छै से नेपाल बॉर्डर पर जी ओ लड़की के सप्लाई करे ला जाए छला। अच्छा तो वह रंगे हाथ पकड़ा गया। अच्छा एकटा मुखिया के पद के गरिमा के ओ नहीं बुझलखिन, अखन तक अरेस्ट में छै, बेल के इंतजार कर रहल छै, बेल भेज भ जाए तकरे प्रयास में लागल छै। लेकिन बेल तो मान लिया ओते इंटरनेशनल भ गेलै बॉर्डर पर, दोसर देश के मैटर छै, इंडिया के मैटर छै ना, हालांकि इंडियो के मैटर सीरियस भ गेलै लेकिन ओ तो नेपाल के छै,
सोशल मीडिया पर बहुत हाईलाइट भ गेले ई मैटर। सोशल मीडिया पर हाईलाइट भला कारणे जज मजिस्ट्रेट सबके आम पब्लिक पूरा एकटा बहुत बड़का घटना छै। कसरड़े पंचायत के निमहरा लगे पूरा बिहार में एहन टाइप घटना ई अनोखा घटना छै। आम पब्लिक तो बहुत जगह पकड़े छै लेकिन मुखिया पद के स्थापित आदमी एकटा एहन कार्यकर्ता ई लोक के अपेक्षा नहीं। अपने एहिठामका पंचायत के जे छथि मानि लिअ कैंडिडेट ठाढ़ भेल छला तीनको और जनता के अहाँ ई संदेश दिले चाहियो जे अहाँ फिर यदि मानि लिये कोनो मुखिया के इलेक्शन होय तो अहाँ ओहन आदमी के दियो वोट जे आदमी सुजोग रहे, जे आदमी ईमानदार रहे, जे आदमी के इज्जत प्रतिष्ठा रहे, ओहन आदमी के अहाँ सब मानि लिया की कहे सती करो। वास्तविक स्थिति अंग्रेज के समय में अंग्रेज से जान मजिस्ट्रेट जज या कोनो नीक पद पर जो कोनो आदमी के चयन करे तो अंग्रेज लिख दे सभी योग्यताओं के अलावा इन्हें उच्च कुलीन खानदान का होना चाहिए। अंग्रेज किया लिखे अंग्रेज के ई पर्पस रहे जो उच्च कुलीन खानदान का आदमी यदि ओ पद पर रहते तो पद संगे न्याय करते, पद के गरिमा का ख्याल रखते, ओकरा ई हेतै जे हम भ्रष्टाचार में संलिप्त हैब, हम गलत कार्य में संलिप्त हैब, हमर आचरण यदि विरुद्ध हेतै, नैतिकता खत्म भ जायत तो पब्लिक हमरा की कहत, ओकरा इहो चीज के चिंता रहै। बंगाली कहि रहल छै, बंगाली के कथन छै कुकुरे बसे सिंहासन, यदि कुकुर जहाँ सिंहासन पर बैसा दी तो ओकर नजर रहतै टुटलहा जूता के, कखन ई जूता के हम लैके भागब। विचार से आदमी खत्म भ जाय छै, सोच खत्म भ गेल तो आदमी खत्म भ गेल। तो संस्कार जकर जेहन रहतै ओ संस्कार बदली में बढ़ समय लगै छै। हमरे गांव के जस साहब के पिताजी रहथिन मुखिया, वो अपना स्वतंत्रता सेनानी के एक रुपया नहीं लेल। हमर बाबा सरपंच रहे, वो जखन कियो आदमी जुर्माना दे दे तो जुर्माना के देला के बाद वो जुर्माना के वापस कह दे छन। जे गरीब आदमी छै जुर्माना कबूल कह लेल के अपराध एकर जुर्माना खत्म कह। तो पद के गरिमा के ई चीज छै, एतो यदि अहाँ अपन प्रतिष्ठा एक लज्जा परित्यज्य सर्वत्र विजयी भवे लाज के त्याग लिए। आब तो गांव केना एता तकर संशय छै, बिल्कुल गांव के आदमी के सामने में हम कोन स्थिति में अपना चेहरा देखा। जी जी जी, नीक लोग या नीक परिवार के लोग तो गांव छोड़ दे, लेकिन वो तो लज्जा विहीन आदमी फिर गांव आबि जता। लेकिन हम उम्मीद करै छी जे मानि लेल जाउ जे 6 महीना के बाद से भ सके यहाँ के पंचायत में फिर इलेक्शन हो, निर्विरोध मानि लिअ की कहै छै इलेक्शन है। आ एहि बेर जे अपने सब ठाढ़ भेल, एक बेर बैसार अपने सब कऽ लेब जते अहाँ सब ठाढ़ भेल छलियै, जे हमसब एक गोटा के मानि लिअ केओ ठाढ़ करू, हँ, आ ओहन आदमी के ठाढ़ करू जे मानि लिअ की कहै छै निर्विरोध मुखिया भए जाइत, आ ओहन प्रतिष्ठित आदमी के करू जिनका की कहै छै कोनो लोभ नहि रहनि जे हमरा की कहै छै हम पंचायत के लुटियै, पंचायत के डेवलपमेंट होय, काज होय, ओहि तरहक लुटि जाइ छी। गाँव के जनता के इएह अपील करबनि, गाँव के आदमी एक नीक सुयोग्य प्रतिष्ठित आदमी के जकरा प्रतिष्ठा के चिंता होय, जे रुपया के लालच नहि पड़ि के ओकर आचरण सबसे ज्यादा तो कैरेक्टर इज लॉस, एवरीथिंग इज लॉस, मनी इज लॉस नथिंग, कैरेक्टर इज लॉस एवरीथिंग, वेल्थ इज गॉन नथिंग इज गॉन, हेल्थ इज गॉन समथिंग इज गॉन, इफ कैरेक्टर इज गॉन एवरीथिंग इज गॉन। तो कैरेक्टर पर ई खत्म कह दिलखिन पूरा गाँव के प्रतिष्ठा के, ओना गाँव में तो सब इंडिविजुअल प्रतिष्ठा छै, एक आदमी के प्रतिष्ठा से गाँव खत्म नहीं भए जेतै। लेकिन एकटा ई भ गेलै जे अहाँ सब केहन मुखिया के चुन के देलियै, पूरा आब से गाँव के नाव कहे में दिक्कत भए गेल जे हम हमरा गाँव के नाव की छी, तो वो आदमी चर्चा कह दे तुरंत जे हयो अहाँ गाँव में एहन टाइपक बात सुन नहीं बुझे छी, भगवती की छी सबटा भगवती के कृपा से भेलै, भगवती दंड देलखिन तहन तऽ एकरा मुक्ति भेटलै, मतलब गाँव के एहन आदमी से मुक्ति भेटलै, भगवती के दंड देलखिन जे ई आदमी की इच्छा दूर करे। हाँ भगवती एक फिर एक बार अपन नाम लियो अहाँ, दिलीप कुमार झा जी गाँव भाग ले, दिलीप कुमार झा हम भगवती कसरर घर भेल, भगवती कसरर, भगवती कसरर जी ज्वालामुखी, हमर बाबा भूतपूर्व सरपंच छला हाँ। जी लगातार 4 इलेक्शन ओ जीतल छला जी। और भाई हमर CBI में DSP छथि जी जी जी, और हमसब एकटा प्रतिष्ठा के दुआरे हम मुखिया में खड़ा भेल रही, परिवार है एमे कोनो शंका नहीं। अहाँ मोबाइल नंबर कते भेल सर? 9973 4573 75। धन्यवाद सर।